शिक्षा के मंदिर में लेक्चरर द्वारा कार्यकारी प्रिंसिपल से मारपीट किए जाने का मामला हमीरपुर में सामने आया है। प्रदेश के सबसे साक्षर जिला हमीरपुर में मुख्यालय के बीचों बीच स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक बाल पाठशाला हमीरपुर में सुबह किस्त में कमर्स लेक्चरर के पद के लिए ज्वाइन देने पहुंचे लेक्चरर हंसराज ने कार्यकारी प्रिंसिपल मुकेश कुमार को ये कहकर ज्वाइनिंग देने से मना कर दिया कि मुकेश कुमार मेरा जूनियर है, साथ ही मारपीट करना शुरू कर दिया जिससे मुकेश कुमार के सिर, मुंह, नाक और आंख में गंभीर चोटें लगी हैं। जानकारी के अनुसार प्रिंसिपल रूम में बैठे हुए लेक्चरर हंसराज ने ज्वाइनिंग देने को लेकर मुकेश कुमार पर मुक्कों की बरसात कर दी और मुकेश कुमार को चोटें पहुंची हैं। मुकेश कुमार ने पुलिस में इसकी शिकायत की है। वहीं डिप्टी डायरेक्टर सोमदास सांख्यान भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। मेडिकल करवाने के बाद कार्यकारी प्रिंसिपल मुकेश कुमार ने बताया कि लेक्चरर हंसराज ने ज्वाइनिंग देने से इनकार करते हुए मुझ पर हमला किया और मुक्के मारकर लहूलुहान किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है और मेडिकल करवाया है। तो एक समय में दो लोग आ गए ज्वाइन करने के लिए, तो मैंने तो ये कहा कि डिप्टी डायरेक्टर साहब, मैंने स्टूडेंट जी को बोला कि डिप्टी डायरेक्टर का नंबर दो। इतने में हंसराज जी आए कि ये मेरे से जूनियर है, मेरी ज्वाइनिंग नहीं ले सकता है। तो सुपरिटेंडेंट ने बोला कि रिलीविंग ज्वाइनिंग लेना आपका वो तो बाद की बात है, कौन लेगा कौन नहीं लेगा, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। तो मैंने कहा कि आप ऐसा करो, मैं स्टूडेंट के पास गया कि आप लेटर बनाते हैं डिप्टी डायरेक्टर को लेकर कि आप हमें फर्दर गाइडलाइन दो क्या करना है। और मैं कंप्यूटर में ऐसे झुका था, वो फाइल देखने के लिए वो फाइल निकाली उन्होंने और उसने इस पोर्शन पे जो है दबा मारना शुरू कर दिया है। हंसराज ने इस पोर्शन पे, और मेरे को तो ऐसा उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। मेरी तो जानकारी मैंने हायर अथॉरिटी से लेनी थी कि इस केस में क्या करना है जब दो लोग आ गए यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए, तो उसने बिना सोचे समझे जो है मारना शुरू कर दिया। तो आपको कहाँ लगी है? मेरे को ये सब जगह चोटें आई हुई हैं, सिर मेरा चकरा रहा है, यहाँ मेरे को अभी मैं खड़ा होने में थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रहा हूँ। सिटी स्कैन होना है मेरा, अभी 2:30 बजे का मेरे को टाइम दिया डॉक्टर ने। तो आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी? पुलिस में मैंने कंप्लेंट लिखवा दी है। इस तरह से मैं तो चाहता हूँ कि जो हायर अथॉरिटी है वो इसमें सख्त से सख्त निर्णय ले, और एक शिक्षक जो लोगों को शिक्षा देने का काम करता है, अगर वो इस तरह का कार्य स्कूल में कर रहा है तो मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है। और मेरे को तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह का होना है यहाँ पे। हमने तो जो भी गाइडलाइन लेनी है लीविंग ज्वाइनिंग में, वो हायर अथॉरिटी से लेनी है। अगर दो लोग ज्वाइन करने के लिए आ गए हैं तो मेरा तो कोई भी नहीं है उनमें से, हायर अथॉरिटी जो बोलेगी हमने उसकी ज्वाइनिंग ले लेनी। कैसी इसमें पहले कौन से किस की पहले की ज्वाइनिंग डेट थी? इसमें ऐसे सर दो लोग हमारे पास आए हैं, एक 28 तारीख को लीव होके आया है, बीच में दो दिन की छुट्टी थी, और ये जो है हंसराज जी रिलीव हुए हैं पहली की डेट में। 9 बजे स्कूल लगता है, 8:30 बजे ये विद्यालय में थे, तो आना जाने कहाँ रिलीव हुए हैं कैसे रिलीव हुए हैं ये भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं 8:30-8:35 पे यहाँ पहुँचा हूँ, तो आते ही मैंने देखा तो ये लोग यहाँ थे स्कूल के अंदर थे। मेरा तो रूटीन में मैंने जैसे आना था वैसे स्कूल में अपना रूटीन में आया यहाँ पे। तो क्या कोई रजिस्टर पर टेम्परिंग की है यहाँ सर? कुछ मैंने कुछ नहीं देखा क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं है रजिस्टर में क्या हुआ है, इसने बाद में क्या किया। मैं तो जैसे ही बैठा था मेरे पास रिपोर्टें आई ज्वाइनिंग की दोनों, और मैंने स्टूडेंट के पास मैं गया कि आप इसमें डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात करेंगे, हम क्या करना है। इतनी सी बात हुई है, मैंने किसी को अलाउ नहीं किया ज्वाइन करने के लिए, किसी को मैंने रिजेक्ट नहीं किया है, इतने में उसने मारना शुरू कर दिया। हालांकि डिप्टी डायरेक्टर सोमदास सांख्या ने इस मामले पर पल्ला झाड़ते हुए देखेगी और कैमरे के सामने केवल ये कहते नजर आए कि वह केवल स्कूल में औचक निरीक्षण के लिए आए हुए थे। उन्होंने कहा कि अगर स्कूल में ऐसा मामला हुआ है तो कानूनी कार्यवाही की जाएगी और पड़ताल की जाएगी। अब तक पता नहीं है क्योंकि जो अपसेट कर रहे हो यहाँ उपलब्ध है नहीं, तो उनसे मिलकर के ही जानकारी ली जा सकती है। मतलब क्या दो टीचर्स आपस में बोले भिड़ गए हैं, वो क्या कितना ट्रू है? ये भी आप लोगों से मुझे पता चल रहा है क्योंकि जो अपसेट कर रहे हैं ना यहाँ मुकेश कुमार जी, वो यहाँ भी उपलब्ध है नहीं, तो उनसे वस्तु स्थिति का पता लगता है। अगर ऐसा होगा हुआ हो बाई चांस तो क्या आपकी तरफ से क्या रहेगा? तो अगर गलत किया है किसी ने तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी। सर तो मुकेश जी को ऑफिस सेटिंग मतलब जो बनाया नहीं गया था, क्या उनके रिटर्न में ऑर्डर नहीं है? हाँ,
नहीं, ये तो अभी इसमें क्योंकि मैडम जी इसका मुझे परसों व्हाट्सएप आया था कि मैंने दो दिन की कैजुअल लीव पर होना है जी, तो उनकी तबीयत ठीक नहीं है जी। मैं क्या ठीक है, आपने नेक्स्ट बार वो कर दूँगा छुट्टी अप्लाई करूँगा। तो नेक्स्ट बार इनके ऑर्डर किए होंगे वैसे मुकेश जी के पास ही नहीं रहता है चार्ज की कोई और ना, जो नेक्स्ट बार है उनके पास ही ऑटोमेटिकली चार्ज उनके पास जी। नहीं तो अभी आप सर इंक्वायरी अपनी करी है तो क्या आपने क्या देखा कि क्या उनके ऑर्डर हैं रिटर्न नहीं है? इंक्वायरी अभी तक कुछ भी नहीं हो पाई, मैं तो वैसे सरप्राइज उसके ऊपर आया था, मैंने क्लासेस वगैरह का चक्कर लगाया जी। पर जैसे मुकेश जी आएंगे उसके बाद ही बस। एक सर दूसरे जो कोर्ट से आए हैं लेक्चरर, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने खुद ही अपने हाथों से टैम्परिंग कर दी है रजिस्टर को, मतलब जो पहले ज्वाइनिंग थी उसको काट दिया है। ये सारी जो भी बात है ये जांच का विषय है और इसमें जो वस्तु स्थिति है मुकेश जी से बात करके ही पता लगेगा, उसके बाद ही आगे बात। तो क्या आप हॉस्पिटल भी जाएंगे उनको देखने? नहीं, हॉस्पिटल में तो नहीं, अभी मुझे नहीं लगता भी इतना सीरियस कोई होगा मैटर के लिए हॉस्पिटल में जाया जाए, पर मेरे पास और अपना ऑफिस का बहुत सारा काम है क्योंकि टाइम क्यों वेस्ट करना, उनको डायरेक्शन दे दिया सुप्रीम साहब कि सारा केस लेकर के मेरे पास आए। गौरतलब है कि बास स्कूल परिसर के अंदर ही डिप्टी डायरेक्टर इंस्पेक्शन का भी कार्यालय है, लेकिन इस घटना पर इंस्पेक्शन कार्यालय की ओर से भी कोई कार्यवाही मौके पर नहीं की गई क्योंकि कार्यालय में कोई भी मौजूद नहीं था।